पुलाव खाना तो हम सभी को बहुत पसंद है, लेकिन इसे बनाने में थोड़ा झंझट है। आज हम कुकर में इंस्टेंट पुलाव बनाएंगे। हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले बर्तन लेंगे, इसमें 2 गिलास चावल डालेंगे। यहाँ मैंने पुलाव बनाने के लिए बासमती राइस का इस्तेमाल किया है। आप भी पुलाव बनाने के लिए बासमती राइस का ही इस्तेमाल करें। बासमती राइस से पुलाव बनाने से पुलाव में अच्छी खुशबू और पुलाव खिला खिला बन के तैयार होता है। बासमती चावल में पानी डालकर चावल को हल्के हाथों से मिलाते हुए हम 2 से 3 पानी में धो लेंगे। यहाँ मैंने 2 से 3 पानी में अच्छे से धो लिया है। ये देखिए, चावल हमारा साफ़ हो गया है। अब हम इसमें पानी ऐड कर चावल को 10 मिनट के लिए सोख होने के लिए रखेंगे, फिर हम इसका पुलाव बनाएंगे। चावल हमारा फूल रहा है, तब तक हम पुलाव बनाने के लिए पानी गर्म कर लेते हैं। यहाँ मैंने सस्पेन में 1 गिलास पानी लिया है और इसके बाद हम इसमें 1/2 गिलास और पानी ऐड करेंगे। कुकर में पुलाव बनाते समय एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि 1 गिलास चावल पे हमें 1.5 गिलास ही पानी ऐड करना है। यहाँ मैंने 2 गिलास चावल लिया था, इसीलिए हम यहाँ पे टोटल 3 गिलास पानी ऐड करेंगे और गैस का फ्लेम हाई करके पानी को हम गर्म होने देंगे। ये देखिए, पानी हमारा गर्म हो गया है। अब हम एक कुकर लेंगे, कुकर को गर्म होने देंगे। कुकर हमारा गर्म हो गया है, इस टाइम पे हम इसमें 1.5 चम्मच घी ऐड करेंगे। पुलाव बनाते समय हमेशा घी या बटर का ही इस्तेमाल करें, इससे पुलाव में हमेशा रेस्ट्रो वाला फ्लेवर आता है। अगर आपको घी या बटर नहीं पसंद है तो आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस टाइम पे गैस का फ्लेम हाई कर देंगे, घी को गर्म होने देंगे। घी गर्म हो गया है, इसमें 1 चम्मच जीरा ऐड करेंगे और जीरा को अच्छे से मिला लेंगे। और इसमें इस टाइम पे हम इसमें साबुत या खड़ा गरम मसाला ऐड करेंगे। सबसे पहले दालचीनी के टुकड़े ऐड करेंगे, 1 फूल चक्री ऐड करेंगे, 1 बड़ी इलायची, 7-8 काली मिर्च ऐड करेंगे, 5-6 लौंग ऐड करेंगे, 5 साबुत इलायची ऐड करेंगे और लास्ट में 2 तेज़पत्ता तोड़ के ऐड करेंगे। और सभी मसालों को 30 से 40 सेकंड के लिए हाई फ्लेम पे मिलाते हुए भून लेंगे। इस टाइम पे 15 से 20 काजू के टुकड़े ऐड करेंगे और इसमें किशमिश ऐड करेंगे। पुलाव में आप अपने पसंद के ड्राई फ्रूट या वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं। इस टाइम पे सभी इंग्रेडिएंट को एक बार फिर से घी में मिलाते हुए हाई फ्लेम पे भून लेंगे। ये देखिए, सभी इंग्रेडिएंट अच्छी तरह भुन गए हैं। इस टाइम पे गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और कुकर में सोक किया हुआ बासमती चावल ऐड करेंगे। कुकर में बासमती चावल डालकर हम चावल को नीचे से ऊपर की तरफ हल्के हाथों से मिलाते हुए 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे भून लेंगे। हमें चावल को ज़्यादा नहीं भूनना है और ज़्यादा भी नहीं मिलाना है। ज़्यादा मिलाने से चावल हमारे टूट सकते हैं। ये देखिए, चावल को भूनते हुए 1 मिनट हो गया है। अब हम इस टाइम पे इसमें गरम किया हुआ पानी ऐड करेंगे। गरम पानी ऐड करने से पुलाव हमारा खिला खिला और जल्दी बन के तैयार होगा। पानी ऐड कर चावल को हम फिर से एक बार अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये देखिए, चावल को हम इसी तरह मिला लेंगे और इस टाइम पे हम इसमें 1/2 चम्मच नमक ऐड करेंगे और पुलाव में अच्छा सा स्वीट फ्लेवर लाने के लिए हम इसमें 1 चम्मच चीनी भी ऐड करेंगे। अगर आपको चीनी पसंद है तो आप इसमें ऐड करें, नहीं तो आप इसके स्किप कर सकते हैं। और चावल को एक बार फिर से अच्छी तरह से मिला लेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई करते हुए हम इसमें
कुकर का ढक्कन लगा करके कुकर में हाई फ्लेम पे 2 से 3 सीटी आने देंगे। आप चाहे तो पुलाव को कढ़ाई या भगोने में भी बना सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, कुकर में 3 सीटी आ गई है। इस टाइम पे गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और कुकर को ठंडा होने देंगे। कुकर हमारा ठंडा हो गया है, अब हम इसे एक बार खोल करके चेक कर लेंगे। ये देखिए पुलाव हमारा परफेक्ट बनके तैयार हो गया है। अब हम चावल को नीचे से ऊपर की तरफ करते हुए पुलाव को अच्छी तरह से मिला लेंगे। इस तरह मिला लेने के बाद चलिए अब फटाफट पुलाव को सर्व कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ मैंने पुलाव को सर्व कर लिया है। आपको मेरी वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें।